हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएमई सब्जेक्ट का जो सेकंड चैप्टर है जिसका नाम है एनर्जी, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने की शुरुआत करने वाले हैं। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। तो बोर्ड पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखा हुआ है जो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो क्वेश्चन है, व्हाट इज फोसाइल फ्यूल्स, यानी फोसाइल फ्यूल की हमें डेफिनेशन देनी है, क्लासिफाई इट और उसका क्लासिफिकेशन भी देना है, एंड एक्सप्लेन इन ब्रीफ, और वो क्लासिफिकेशन को ब्रीफ में हमें समझाना है टू गेट दी फुल मार्क्स। तो सबसे पहले तो ये जो फोसाइल फ्यूल है उसका मतलब समझ लेते हैं। जैसे कि हमें पता है कि जब अर्थक्वेक्स आते हैं तब जमीन के अंदर बहुत सारे पशु पक्षी है, पेड़ पौधे हैं, वो सब अंदर दफन हो जाते हैं, और उसी जगह पे अगर हजारों साल बाद हम खुदाई करें तो वहां से हमें फ्यूल्स मिलता है, जैसे कि हो गया पेट्रोल, डीजल। तो ऐसे फ्यूल को हम फोसाइल फ्यूल बोलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमें फोसाइल फ्यूल चाहिए तो हमें हजारों साल वेट करना पड़ेगा। तो ये जो फोसाइल फ्यूल है जो हजारों साल बाद मिलते हैं उसे हम नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी बोल देंगे। तो वही चीज बोर्ड पे लिखी हुई है, फोसाइल फ्यूल की डेफिनेशन, विच आर मेड फ्रॉम डेड एनिमल्स एंड डेड प्लांट्स, उनसे वो बनते हैं, विच आर प्रेजेंट अंडर द क्रस्ट ऑफ द अर्थ, जो जमीन के अंदर दफन होते हैं, ड्यू टू अर्थक्वेक आफ्टर 1000 ईयर्स, हजारों साल बाद ये मिलते हैं, इसीलिए हम इसे क्या बोल देते हैं, कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो ये तो हो गया फर्स्ट पोर्शन फोसाइल फ्यूल का मतलब। अब जो फोसाइल फ्यूल है उसका क्लासिफिकेशन भी हमें करना पड़ेगा। तो फोसाइल फ्यूल बेसिकली तीन कैटेगरी में क्लासिफाई होता है, फर्स्ट है सॉलिड, नेक्स्ट है लिक्विड और लास्ट में है गैसियस। अब हम देख सकते हैं कि सॉलिड में दो क्लासिफिकेशन है, नेचुरल आर्टिफिशियल, ऐसे ही लिक्विड में भी नेचुरल आर्टिफिशियल है और गैसियस में भी नेचुरल आर्टिफिशियल है। तो जो हमारे नेचुरल सॉलिड फोसाइल फ्यूल है वो है वुड, पीट, लिग्नाइट। उसी तरीके से आर्टिफिशियल सॉलिड फोसाइल फ्यूल है हमारे हो गए चारकोल, ब्रिंकेटेड कोल, पल्वराइज्ड कोल। उसी तरीके से हमारे नेचुरल लिक्विड फोसाइल फ्यूल है वो है पेट्रोलियम, आर्टिफिशियल लिक्विड फोसाइल फ्यूल है गैसोलीन, केरोसिन। उसी तरीके से नेचुरल गैसियस फोसाइल फ्यूल हमारे आएंगे सीएनजी, इसकी शॉर्ट नोट बहुत बार पूछते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम शॉर्ट नोट देख लेंगे। उसी तरीके से आर्टिफिशियल गैसियस फोसाइल फ्यूल होते हैं कोल गैस, प्रोड्यूसर गैस, ब्लास्ट फर्नेस गैस, आप लिख सकते हो। अब ये तो हो गया इसका क्लासिफिकेशन। अब ये जो सारे क्लासिफिकेशन है, वुड यानी क्या, पीट यानी क्या, इग्नाइट यानी क्या, ये सारी चीज हमें ब्रीफ में भी समझानी होगी, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले है वुड। वुड यानी क्या, इट इज कॉमनली यूज होता है, इजीली अवेलेबल नेचुरल फ्यूल है, इट इग्नाइट्स इजीली, जल्दी आसानी से जाता है, यूज फॉर लाइटिंग एंड कुकिंग पर्पज, आग जलाने के लिए और रसोई काम के लिए ये यूज में आता है। नेक्स्ट है पीट। अब पीट क्या है, इट इज द मिक्सचर ऑफ वाटर एंड डिकेड वेजिटेबल्स। पीट जो होता है वो मिक्सचर होता है वाटर और डिकेड वेजिटेबल्स, यानी सड़ी हुई सब्जी का वो मिक्सचर होता है। इट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोल, यानी पीट आपने बनाया इसका मतलब फर्स्ट स्टेज शुरू हो गया है कोल बनने का। इट कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ मॉइस्चर, उसमें मॉइस्चर बहुत ज्यादा होते हैं, यानी पानी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। इट इज ड्राइड फॉर 1 to 2 months बिफोर यूज, यानी कि अगर हमने पीट बना लिया पानी का मिक्सचर और मिक्स पानी और सड़े हुए वेजिटेबल को मिक्स करके, तब मॉइस्चर ज्यादा होगा तो जलेगा, नहीं तो इसका अगर यूज करना है तो इसे हमें 1 से 2 महीने तक सुखाना पड़ेगा, फिर ही इसका यूज हो सकता है। नेक्स्ट है लिग्नाइट। अब ये जो लिग्नाइट है वो पीट के बाद हमें मिलता है, यानी नेक्स्ट स्टेज ऑफ पीट इज लिग्नाइट, यानी लिग्नाइट कैसे मिलेगा, पीट का नेक्स्ट स्टेज है उसके बाद मिलेगा। कंटेन्स लेस मॉइस्चर कंपेयर टू पीट, यानी पीट में जितना मॉइस्चर है उससे कम मॉइस्चर किसमें होगा, लिग्नाइट में होगा। नेक्स्ट है बिटुमिनस कोल। अब बिटुमिनस कोल जो है वो लिग्नाइट का नेक्स्ट स्टेज है, यानी लिग्नाइट के बाद हमें क्या मिलेगा, बिटुमिनस कोल मिलेगा। तो लिखा है नेक्स्ट स्टेज ऑफ लिग्नाइट इज बिटुमिनस कोल, कंटेन्स लेस मॉइस्चर, अब इसके पास और भी कम मॉइस्चर होगा, इट इज येल्लो इन कलर। नेक्स्ट है एंथ्रेसाइट कोल। अब ये एंथ्रेसाइट कोल हमें बिटुमिनस कोल से मिलेगा, तो यहां पे लिखा है इट इज ऑब्टेन फ्रॉम बिटुमिनस कोल। इट इज हार्ड एंड ब्रिटल, हार्ड होते हैं और ब्रिटल, जल्दी से टूट जाते हैं, डिफिकल्ट टू इग्नाइट, इन्हें जलाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन बर्न्स विथ नो स्मेल, लेकिन इसे अगर हम जलाते हैं तो इसमें से स्मेल ज्यादा हमें आती नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो।
नेक्स्ट है चारकोल। अब चारकोल हम कैसे बना सकते हैं कि हम एक लकड़ा लेंगे और उसे पूरा सड़ा देंगे, जिससे करके हमें क्या मिल जाएगा, चारकोल। तो चारकोल का क्या हम लिख सकते हैं कि इट इज मेड बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड। डिस्टिलेशन ऑफ वुड यानी पूरा हमने सड़ा दिया है, डिस्ट्रक्टिव यानी पूरा हमने तोड़ दिया है उसे। नेक्स्ट है ब्रिंकिटेड कोल। अब ब्रिंकिटेड कोल यानी क्या कि हमारे पास चारकोल है। अब वो चारकोल को अगर हम कंप्रेस करते हैं और कंप्रेस करने के बाद अगर उसे हम छोटी छोटी ईंटों के फॉर्म में अगर हम बना देते हैं उसे, तो वो चीज को हम क्या बोल देंगे, ब्रिंकिटेड कोल। लिखा है व्हेन चारकोल इज कंप्रेस्ड एंड फॉर्म्स इनटू ब्रिक्स देन इट इज कॉल्ड एज ब्रिंकिटेड कोल। नेक्स्ट है पल्वराइज्ड कोल। अब हमारे पास कुछ कोल है, वो कोल को अगर हम क्रश कर देते हैं और उसे पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, तो वो पाउडर फॉर्म को हम क्या बोल देंगे, पल्वराइज्ड कोल। तो व्हेन कोल इज क्रश्ड एंड फॉर्म्स इनटू अ पाउडर देन इट इज कॉल्ड पल्वराइज्ड कोल। नेक्स्ट है पेट्रोलियम। तो इट इज द लाइटेस्ट एंड मोस्ट वॉलेटाइल लिक्विड ऑल्सो कॉल्ड गैसोलीन। ये जो पेट्रोलियम है उसे हम गैसोलीन भी बोलते हैं और ये सबसे हल्का है एंड मोस्ट वॉलेटाइल लिक्विड। वॉलेटाइल लिक्विड यानी क्या, ऐसा लिक्विड जिसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही ज्यादा कम हो। बहुत ही ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट कम होने का मतलब क्या है कि वो थोड़े से ही टेम्परेचर पे जलना शुरू हो जाएगा। तो ऐसे लिक्विड जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है उसे हम बोल देंगे वॉलेटाइल लिक्विड। नेक्स्ट है केरोसिन। अब पेट्रोलियम क्या था, पेट्रोलियम था लाइटेस्ट, तो केरोसिन हो जाएगा हैवीएस्ट। दोनों ही वॉलेटाइल लिक्विड है, दोनों का ही बॉइलिंग पॉइंट कम है। ऑल्सो कॉल्ड एज पैराफिन ऑयल, इसे पैराफिन ऑयल के नाम से भी जानते हैं। और कहां पे यूज होता है, हीटिंग और लाइटिंग पर्पस के। तो यहां तक लिखने पे हमें फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम सीएनजी और एलपीजी की शॉर्ट नोट देखेंगे। तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट।